ये मांग क्या देती है इन बिछड़े वालों को, ये मांग सदा इन हाथों से बंधवा देती है। मांग मांग तुम कॉपी है कबो देव ना लेव, देन कहे दुई बरदान दुई, ते पाव संदेह, उन बरदानों में मुझे संदेह लग रहा है, आप कह रहे मांगो चले जाइए मुझको ना मनाइए। बस केवल इतना ही सोच सकते हो, समस्या तो यही है। और ये नहीं पता है कि हम जिसके हैं उसी के रहेंगे, परेशानी चाहे जिस जिसको। तो समझो आप हमसे क्या कह रही हो, देन कहे बरदान दुई तीन पावस संदेह, क्यों आपने हमसे मांगा हमने आपको दिया नहीं। और आप हैं पलक राजपूत जी बिलगांव, संदीप राजपूत जी, राजकुमार सोनी जी, इनकी ओर से 21 मुद्रा संदर्भ संवाद पर प्रदान हो रही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे वचन की सत्यता को प्रस्तुत करने के लिए प्रमाण प्रस्तुत करना पड़े तो क्या आपने हमको तीन पन में यह नहीं जान पाया कि राजा दशरथ का जीवन क्या है। और रही बात देन कहे वरदान दुई, वो भी हमको याद है, देवासुर संग्राम के समय दिए गए वो दो वरदान। लेकिन आपने कुछ कहा था, अपनी बात को याद करिए महारानी, दूसरे पर गुस्सा दिखाना बहुत अच्छी बात है, खूब दिखाओ, अपना क्या जाता है देखो। अरे हंस के ये बातें हमसे चार कर लेती हैं आप। था थी राख ना मांगे उकाऊ, जब से आपने कहा कि जब समय होगा तब मैं मांग लूंगी, अब जब हमने उन्हीं समय पर आपने हमसे मांगे अभी तक नहीं है, तो या तो हमसे वरदान मांग लो और या फिर ये कोप भवन में आने का झंझट खत्म करो, क्योंकि तुमने मांगे नहीं हमने दिए नहीं, गलती किसकी है, जबरदस्ती का क्रोध, ऐसा गुस्सा अच्छा नहीं है। रही बात मांग की, तो महारानी हम तो ये कहते हैं कि अगर तुम मांगने की आवश्यकता है तुम्हें तो तुम कुछ भी हमसे मांग सकती हो। झूठ ही हमें दोष जन देहू, दुई के चार मांग मक लेहू, तुम दो की बात करती हो, हम कहते हैं चार मांगो हमसे, लेकिन झूठ नहीं। सन्मान आप कह रही हो, मांग क्या देती है, एक मांग और छोटी सी कन्या को भी एक गृहिणी एक अन्नपूर्णा का रूप दे देती है। मांग वो शब्द है, हल्के में ना लीजिए। सन्मान मांग का रानी जी, पूछो अपनी इन पटियों से, प्रीतम की प्रिया इन्हीं से हो, भरती हो जिन्हें मोती। और रही बात मांगने की, तो मांगने के लिए भी ध्यान देना चाहिए कि हम हाथ किसके आगे फैला रहे हैं, और ये पता नहीं है तो फिर वो मांगना बेकार हो जाता है। पुनः पलक राजपूत जी बिलगांव, संदीप राजपूत जी, राजकुमार सोनी जी, इन 51 मुद्राएं प्रदान हो रही हैं सुंदर संवाद पर, बहुत बहुत धन्यवाद। सन्मान मांग का रानी जी, पूछो अपनी इन पटियों से, प्रीतम की प्रिया इन्हीं से हो, भरती हो जिन्हें मोतियों से। ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदा बाप का प्रेमी हो, जो सदा बाप का सच्चा हो। गर्जे त्वति बरसे नबोध, धोखा इन मेघों में है, हमने कहा किया सो किया, बस एक बात हम मर्दों ने। महाराज कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती हूं मैं, उपहास नहीं, सच तो है राजा जी, अब तुम पुरुषों पर विश्वास नहीं बुढ़ापे में। हाँ ये चिकनी चुपड़ी बातें कहकर, जो आप चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं ना, अब मैं इतनी भोली नहीं हूं, सब समझती हूँ। अच्छा। चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को मत बहकाओ, अगर सच्ची हो रघुवंशी तो सौगंध राम की खा जाओ। बस महारानी मैं समझ रहा था, नारी अपने बल अपने कर और अपने छल को प्रतिरोध दिखाने के लिए ये ऐसा कर पाती है, लेकिन तुम क्या समझ रही हो, पति और पत्नी का संबंध केवल विश्वास की मूर्ति होता है, जिस दिन विश्वास घर से समाप्त हो जाता है उस दिन वो घर शमशान बन जाता है, इसलिए तुम्हारे विश्वास की रक्षा करना मेरा धर्म है। पत्नी के विश्वास को बरकरार रखा जाए इसके लिए पति नित्य कर्तव्य करता है, कर्म करता है, इसलिए हम तुम्हें वचन देते हैं। ये आकाश के तारे, और साधारण वचन नहीं होगा, ये आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर बिखर जाए, पृथ्वी के जीव पहाड़ों में मगन जाए, माणिक समुद्र में हो अंबर में बिखर जाए, ये हम वो नहीं जो अपनी बात से मुकर जाए। परमात्मा गवाह है अनुचित नहीं होगा ये रघुकुल नरेश निज वाक्यों से कभी विचलित नहीं होगा। है आन पहली बार
पाकर उस नाम की लिखाता हूं तेरे सामने सौगंध मैं मेरा। अब विश्वास हो गया महाराज। और आप है भैया अजीब सविता, अजीत सविता की ओर से 21 मुद्राएं सुंदर संवाद पर प्रदान हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे महाराज विश्वास हो गया। महारानी इसमें दोष आपका नहीं है, यहां कसमों के सहारे ही दुनिया चल रही है और जहां कसमें होती हैं वहीं कसने भी होती हैं, बहुत बुरी दशा होती है। अब मैं प्रसन्न हूं महाराज, आपसे भी अपने वरदान मांगना चाहती हूं। मांगू? मांग सकती हो तो सुनिए महाराज। तो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वह धाति आज मांगती हूं कौशल्यानंदन के बदले, निज सुत को राज मांगती हूं। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का देव एक बार भरते टीका। महारानी बड़ा प्रश्न, यह हृदय गदगद हो गया आपकी बात को सुनकर। यह विचार मेरे मस्तिष्क में क्यों नहीं आया, जो विश्व का भरण पोषण कर सकता है वो मेरी अयोध्या का भरण पोषण साधारण कर सकता है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असोई, वो तो संसार का राजा है, फिर उसे राजा बनाने की आवश्यकता क्या है। बस ये सोच करके को बड़ छोट कहत अपराध हूं, कौन छोटा है कौन बड़ा है ये अपराध है। तो मैं तो केवल राजा हूं, मैं बड़ छोट विचार कर करत रहे नृपनीत, राजा की नीत कर रहा था। लेकिन आपको अच्छा नहीं लगता, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो हम इस बात को साक्षी मान करके तुम्हें यह वरदान प्रस्तुत करते हैं। एव मस्तु। सुनहु मांगहु दूसर बरकर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। मेरा दूसरा वरदान सुनिए। अतिशय विनय है सस। हां महाराज। राजा जो राम हो रहा है वह राजा नहीं उदासी हो। महारानी और कल ही से 14 वर्षों को तपसी बनकर वनवास। तापस वेश में से सुदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। ससि कर छुअत बिकल जिम को। दही महारानी दही, ये तुमने क्या कर दिया। धन है विधाता, एक क्षण के लिए राजा दशरथ की मति को क्या हो गया था। माथे हाथ राजन तन धर सोच लाग जन सोचन। दही विधाता ये क्या हो गया, मैंने नारी की गति को जानने की कोशिश कर बैठा, उस नारी की गति को जानने के लिए जिसने मेरा सर्वस्व मुझसे दूर कर दिया है। कल के लिए सारे समाज को यह पता चलेगा कि भारत को अयोध्या का राज दे दिया, घोषणा राम के राजा होने की थी। तब यह सारा समाज कहेगा रघुवंश झूठा है, जो हमारे पूर्वजों ने अपनी आन बान शान की रक्षा करने के लिए इस वंश की रक्षा अपने कर्मों धर्मों से की, आज उसी का दायित्व तो शायद यह दशरथ छोड़ रहा है। नहीं नहीं विधाता नहीं, मेरा राम मुझसे दूर ना हो। धैर्य करो महारानी, तुमने यह प्रण लेकर के बहुत ही अर्जित कर दिया है। सब पुत्र पिता को है समान, तो भी यह बात जानती है।
आज मेरे दरवाजे आकर के कोई कहेगा झूठा है राजा दशरथ, तब यह सारा जमाना मुझे पत्थर मार करके निकाल देगा कि राम जैसे गौ पात्र व्यक्ति पर मैंने कुठारा घात किया है। महारानी ले ले यहां भारत ही को पर और क्रूर व्यवसाय न कर हे राम गौसा उस पर इतना अन्याय न कर रानी। रानी यह तेरा पति जो तेरा पूज देवता है इस समय पकड़ कर पाओ तेरे बस इतनी भीख मांगता है। आप सुन रहे हैं महाराज दशरथ के करुणामयी विलाप को और प्रभावित हुए हरिशंकर प्रजापति जी 11 मुद्राएं प्रदत्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और पलक राजपूत, संदीप राजपूत, राजकुमार सोनी, भरत राजपूत, रवि लोधी, ये क्या लगा भैया, रजनेश लोधी, इनकी ओर से 21 मुद्राएं प्रदान हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। बस महाराणी मेरा केवल एक ही आसरा है तुमसे और ये राजा दशरथ तुम्हें और कुछ नहीं कह सकता। और आप है हमारे भैया जगत सिंह जी राजपूत, इनकी ओर से 51 मुद्राएं महाराज दशरथ जी के करुणामय विलाप पर प्रदान हो रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। तपसी पद कर के दूर रहो मुझसे आनल धाम मेरा और आप हमारे पंडित किशोरी महाराज जी आपकी ओर से 21 मुद्रा सुंदर संवाद पर प्रदान हो रही, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महारानी केवल एक ही चीज चाहता हूं कि मेरा राम मेरे सामने तपस्वी के भेष में ना हो। तपस्वी पद करके दूर ना हो मुझसे आनल धाम मेरा। इन बूढ़ी आंखों के सन्मुख बस रह जाए नाम मेरा। महाराज मैंने आपसे राम के लिए 14 वर्ष का वनवास क्या मांग लिया, आप रोने लगे। आप ऐसे रो रहे हैं जैसे कोई साधारण नारी रो रही हो, जैसे कोई साधारण नारी रो रही हो। आप कह रहे थे कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई,
ये है रकुल की रीत। मैंने आपसे दो वरदान मांगे, आप रोने लगी। मैं जानना चाहती हूं भरत की रावण पूत न हो, क्या आपका भरत पुत्र नहीं? आने होल विशाल की मोई, क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं? जो सुरसर सलाख तुम्हारे, काहे न बोलो वचन समारे? जो मेरा वचन सुनते ही तुमको बाढ़ सा लग गया और कह रहे हो तुम कि मोरे राम भरत दुई आखी। जब दोनों नेत्र हैं आपके तो क्या आप भरत को देख करके जीवित नहीं रह सकते? राम कह रहे हैं कि भरत मेरा नेत्रों से, राम मेरा नेत्रों से दूर ना हो तो नहीं होगा। महाराज सुनिए, महाराज दो बार जो मैंने मांगे हैं मैं उनको कभी बदल नहीं सकती। पड़ गई रे जो पत्थर में, धोने से निकल नहीं सकती। हृदय आपका दुखता है तो ये उपाय बताती हूँ, बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे उपाय बताती हूँ। महाराज बात घर ही में, कुछ पंचों में अपमान नहीं, तुम अपने मुख से एक बार कह दो कि दूंगा पिछला वरदान नहीं। महारानी हमने आपसे पहले ही कहा था, जिस घर में मर्द की आंखों से आंसू बहते हैं ना, तो दर्द की और दुख की चरम सीमा का उल्लंघन हो जाता है। आज तुमने वही देखा होगा और तुमने उदाहरण दिया तो कितना छोटा सा दिया। बोले झूठ बोल दो, झूठ बोलते हैं, लेकिन जीवन में केवल दुख दो ही बार बड़ा होता है, जन्मत मरत दुसे दुख भारी। और लगता है कि यार दशरथ की आंख में आंसू आए हैं तो मृत्यु भी सुनिश्चित है, क्योंकि मैं देख रहा हूं। अगर हां करो तो जुदा राम हो, आज दो राहे पर मेरी जीवनी खड़ी हो गई है। अगर हां करूं तो जुदा राम हो, अगर ना करूं तो धर्म डगमगाए, उधर राम जाए वो मेरा इधर जान जाए, उधर राम जाए वो मेरा इधर जान जाए। तुम जो कह रही हो कि आंखों से आंसू बह रहे हैं, आंसू ये सरल नहीं, ये गमों के सागर है। तुम क्या जानो, जिसके बहते ये आंसू उसकी पीड़ा वो जाने, जिसके दर्द से बहे हैं उसे अंजाम क्या होगा, कोई मतलब नहीं। समझना बहुत कठिन है, लेकिन चिंता को कभी स्थान मत देना। राम तुम्हारा भी है,
रघुकुल रूपी बगिया को दशरथ ने अकेले नहीं खड़ा किया है, तुम्हारा भी सहयोग है। तो हमने किया क्या है, हवाओं से मिलकर दिए थे जलाए, हवाओं से मिलकर दिए थे जलाए, पैरन हवा ने आके, पैरन हवा ने आके खुद ही बुझाए, उधर ना बुझाए मेरा इधर ना बुझाए, उधर ना बुझाए मेरा इधर जान जाए, उधर ना बुझाए मेरा। समय नहीं तुम आपे में, जिस दिन आपे में आओगी अपनी करनी, अपनी करनी पर रानी तुम सिर धुन धुन करके पछताओगी। सुनिए महाराज, अब एक बात कहूं कान खोल, लूगी वरदान न तरक सचाऊंगी, ये माता पिता भ्राता ये सब मेरे कानन में विजय बाप का मैं डंका बजवाऊंगी, वन में हो राम भरत मेरा राजा बने, ये बात कह के और कल के दिखलाऊंगी, भरत नहीं राजा बना राम नहीं बन गया तो जानते हो होत प्राप्त विष्ठा कर मर जाऊंगी। महारानी तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है, हम अपने प्रण को तोड़ दें तुम्हारे प्रण की रक्षा हो जाए। तुमने कहा विजय पाप का डंका बजाऊंगी, लेकिन ऐसा हम नहीं होने देंगे, ये सूर्यवंश की चादर में हम कालमा नहीं आने देंगे, सुनती है सर्वस्व दे देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। रानी रानी आंचल पसार, तुम एक मुकुट की बात करती हो, हम अपने शीश को भी कुर्बान कर सकते हैं। रानी रानी आंचल पसार पसार, तुझे जिस आंचल पर घमंड है, लेकिन याद रखना वही मां हो तुम जिसने कभी राम को अपने आंचल से ढका था, आज उसी आंचल को फैला करके तुम्हें मेरे सामने खड़ा होना पड़ रहा है। रानी रानी आंचल पसार, कर्जा ले वरदान भी ले, रात भी ले ताज भी ले, और साथ में इस दशरथ के प्राण भी ले, प्राण भी ले, प्राण भी ले, राम।